फ्रेंड्स, मैं आपके साथ चाहे वंदना ठाकुर, आज हम बनाएंगे बालूशाही। जैसे कि आप सभी को पता है, दिवाली आने वाली है तो मिठाइयाँ तो सभी के घर में बनती हैं, तो आज हम बनाएंगे बालूशाही। ये बालूशाही को आप ज़रूर ट्राई करिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बालूशाही। उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया 1 कप मैदा। 1 चुटकी हम इसमें नमक डाल देंगे। अगर मीठे में थोड़ा नमक हो तो ज़्यादा टेस्टी लगता है मीठा। ये हमने घी लिया है और हम इसमें 3 चम्मच घी डालेंगे। ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर हम इसे डाल देंगे। ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर देंगे। हमने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक अच्छा सा डो बनाएंगे। पानी ना हमने ठंडा लिया है ना गर्म लिया है, हमने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। एक हमें अच्छा सा डो बना लेना है। आप देख सकते हैं हमारा डो बनके रेडी हो चुका है। डो को हम 5 मिनट आराम करने देते हैं, जब तक हम अपनी चाशनी बना लेंगे। हमने गैस पे एक सॉस पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे, 1.5 कप पानी डालेंगे। जिससे हमने चीनी नापी थी वही वाले कप से हमने पानी भी लिया है। एक चम्मच से हम इसे चला देंगे। थोड़ा सा हमने फूड कलर डाल दिया है। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे स्किप भी कर सकते हैं। जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम बालूशाही को बना लेते हैं। हमारे डो को भी रखे हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। एक बार अच्छे से हाथों से नीट कर देंगे इसको। कुछ इस तरह से हमें रोल कर लेना है हाथों से। अब हम इसमें कट लगाएंगे चक्कू से। आपको जितना बड़ा साइज चाहिए बालूशाही का उतना बड़ा कर सकते हैं, इसमें कट लगा सकते हैं। हमने कुछ इस प्रकार से कट लगा लिए हैं। हमने सारे डो बॉल बना लिया, वो हम एक डो बॉल को हाथ में ले लेंगे और इसे हम बालूशाही का शेप देंगे। अब हम इसके सेंटर में होल करेंगे एक जिस प्रकार से। आप देख सकते हैं हमारी बालूशाही बनके रेडी हो चुकी है। सेम प्रोसेस से हमें सारी बालूशाही को बना लेना है। अब हम हमारी चाशनी देख लेते हैं बनी है या नहीं। एक बार हम चम्मच से चला देंगे चाशनी के और देखते हैं हाथों से हमारी चाशनी बनी या नहीं। अगर उंगलियों के बीच में थोड़ी थोड़ी चाशनी चिपक रही है तो यानी कि हमारी चाशनी बन चुकी है, अब हम इसे हटा लेंगे। चलते हैं हमारी बालूशाही को सेकने के प्रोसेस में। हमने गैस पे कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था। एक एक करके सारे बालूशाही को डाल देंगे हम। ध्यान रखें बालूशाही को सेकते टाइम पे हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है। हमारे बालूशाही को पलट लेंगे। आप देख सकते हैं इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है हमारी बालूशाही का। कुछ इस तरह से हमें पलट लेना है हमारी बालूशाही को। आप देख सकते हैं हमारी बालूशाही सिक चुके हैं, अब हम इसे निकाल देंगे। सारी बालूशाही को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। हमारी बालूशाही को हमने निकाल लिया है। जो हमने चाशनी बना के रखी थी उसे ले लेंगे। हमारी चाशनी थोड़ी गुनगुनी होना चाहिए, बिल्कुल ठंडी नहीं होना चाहिए। एक एक करके सारी बालूशाही को हम चाशनी में डाल देंगे। सारी बालूशाही को हमने डाल दिया है। स्टिक या फिर फोक कुछ ले लेना है हमें बालूशाही को पलटने के लिए।
आप देख सकते हैं हमारी बालूशाही चाशनी को पी रही है, यानी कि इसके अंदर तक जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी हमारी बालूशाही। बालूशाही को हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है जिससे कि ये चाशनी पी लेगी बालूशाही। आप देख सकते हैं हमारी बालूशाही ने चाशनी पी ली है, ये बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। एक प्लेट में हम सारी बालूशाही को कुछ इस तरह से लगा लेंगे। एक कटा हुआ हमने पिस्ता लिया है, अब हम इसे गार्निश करेंगे बालूशाही को, जिससे कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगी बालूशाही। ये हमने केसर लिया है, अब हम इसे भी लगा देंगे बालूशाही के ऊपर। आप देख सकते हैं हमारी बालूशाही बिल्कुल कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुकी है। अब हम एक निकाल के दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं हमारी बालूशाही में अंदर तक चाशनी गई है, तो ये कितनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए और कॉमेंट करके बताइए हमारी बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।